आदरणीय साथियों और बहनों, मैं इस समय जबरदस्त टेंशन में हूं। तनाव इस बात का है, दिमाग में परेशानी इस बात की है कि 2020 लगभग पूरा साल बर्बादी की भेंट चढ़ गया। लोग आर्थिक रूप से भी बर्बाद हुए और शारीरिक रूप से भी बर्बाद हुए और पूरे साल लगभग भय सताता रहा कि कहीं कोरोना ना हो जाए। 2020 बर्बाद हुआ है, क्या आप 2021 को भी बर्बादी की भेंट चढ़ाना चाहते हैं? यदि नहीं तो अभी संभल जाइए, ये सही वक्त है। इस समय यदि आप संभल गए तो 2021 आपका आराम से निकल सकेगा और जो बर्बादी 2020 में हुई है उसकी कुछ हद तक रिकवरी हम 2021 में कर सकेंगे। इसलिए प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके विनती है कि जो मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ उसका पूरी तरह पालन करिए ताकि आप कोविड-19 से बचे रहें, उस बर्बादी से बचे रहें और आगे आपको भारी परेशानी का सामना ना करना पड़े। समय समय पर मैंने सतर्क किया है, कोरोना के ऊपर मैंने 5-6 वीडियो डाले हैं, कभी किसी ने पूरा सुना नहीं सुना, पूरा पालन किया नहीं किया, लेकिन अब जो वक्त है अपनी नियमित रूप से नियमित डाइट में, रेगुलर डाइट में आपको कुछ चीज़ें शामिल करनी है, दिनचर्या में कुछ चीज़ों को शामिल करना है ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, अन्य लोगों को भी आप प्रेरित करें कि ये चीज़ें इस्तेमाल करिए ताकि उनको कोरोना ना हो, कोरोना से बच पाएं और आगे 2021 बहुत आराम से 2021 में हम सुखद ढंग से प्रवेश कर सकें। क्योंकि अभी भी देश में कोरोना के गंभीर हालात हैं, आंकड़े चाहे कुछ भी हों, सरकार कहती है कि कम हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है, बल्कि कई जगह फिर से लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। अहमदाबाद में अभी आज से और मतलब इस समय कर्फ्यू लगने वाला है। इसी तरह से कई राज्यों में जो स्कूल खोल दिए हैं वो स्कूल भी वापस से बंद हो रहे हैं। बहुत बुरी कंडीशन है कई राज्यों में, और दिल्ली के बारे में आप सुन ही रहे हैं, अहमदाबाद का कर्फ्यू आपके सामने है, और इसके अलावा भी आगे कई राज्यों में परिस्थितियां ऐसी चल रही है कि वो दोबारा से लॉकडाउन करें या कोई दूसरी सख्ती करें। मास्क लगाने के लिए 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना बहुत स्ट्रिक्टली वसूल करने के लिए आदेश किए जा रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा संभल जाइए ताकि क्यों, और अभी सर्दियों में और भी ये परेशानी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे जिन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, जिन लोगों को दमे की शिकायत है, उन लोगों को परेशानी बढ़ेगी। तो आप अभी से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों का पालन शुरू कर देंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी और 2020 में जो बर्बादी हुई है उसको आप 2021 में रिकवर कर पाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी है आप मुंह पर मास्क लगाने की आदत मत छोड़िए। मुंह पर मास्क लगाए बिना भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत घूमिए। पूरी ज़िंदगी भर घूमे हैं, आगे और अच्छा अवसर आएगा और घूमेंगे, लेकिन अभी आप मास्क पहने बिना बाहर ना निकले। मास्क को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। दूसरा, थोड़ा दूरी से बात करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, भीड़ में एकदम ना घुसें, थोड़ा सा दूरी बना करके बात कर लें मुंह पर मास्क लगा करके, तो क्या बिगड़ेगा, क्या नुकसान होगा, होगा फायदा ही होगा ना। तो थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, शारीरिक दूरी। मैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज से दूरी नहीं बनानी। समाज हमारा है और हमारे बिना, समाज के बिना हम रह नहीं सकते, समाज को तो अपनाना है, लेकिन शारीरिक दूरी रख करके, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तीसरा, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, सर्दी से बचें, किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचें। लेमन टी मैंने आपको बताया ये लेमन टी कोई बाजार में मिलती है वो लेमन टी नहीं है,
आप घर पर ही बनाएं, उसमें किसी प्रकार की टी नहीं होती है, लेमन टी हमने एक नाम रखा है। 1.25 कप पानी में थोड़ा सा अदरक या सौंठ, 4-5 काली मिर्च, 1-2 लौंग, आवश्यकता अनुसार गुड़ या मिश्री और 4-5 तुलसी पत्र उबालें। और जब यह पानी 1 कप से कम रह जाए तो इसे आधे नींबू के रस में छान करके पिएं। इसमें वैसे चाय पत्ती नहीं होती, यदि लेकिन फिर भी आपको चाय पत्ती चाहिए तो सबसे लास्ट में थोड़ा सा चाय पत्ती डाल करके हिला करके छान करके पी लीजिए। और घर के सभी लोग 1-1 कप सुबह शाम ले सकते हैं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सर्दी का मौसम है, वैसे भी ये ऊर्जा देगा और आपकी जो वो कड़क चाय पीने की आदत है वो भी छूट जाएगी। कड़क चाय बहुत नुकसान करती है, इसलिए चाय कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पिए, कड़क चाय नहीं पिए। नियमित रूप से ये लेमन टी लें सुबह और शाम। इसी तरह से सूप, पालक 10 पत्ते या 1 लौकी छोटी या बड़ी लंबी है तो आधी लौकी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जब पालक का बनाना हो तो पालक के साथ, लौकी का बनाना हो तो लौकी के साथ। 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए, 20 मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते जिनको बोलते हैं, 20 ग्राम हरा धनिया, 5 ग्राम अदरक, 20 ग्राम पुदीना, 10 ग्राम अजवाइन, काला नमक, काली मिर्च, ये सब मिला करके सूप तैयार करें और उसमें हींग जीरा राई का छौंक लगा करके पिएं, खुद भी और परिवार के सभी लोगों को पिलाएं। ये आपका मोटापा भी कम करेगा, शरीर की फिटनेस भी रखेगा, किसी भी प्रकार का संक्रमण भी नहीं होने देगा, और जो फेफड़े में संक्रमण हो जाता है उसको भी दूर करेगा। तो दमा वालों के लिए भी आराम है, सांस की जिनकी समस्या है उनको भी आराम है, निमोनिया वाले को भी आराम है, जुकाम खांसी कफ कुछ भी हो जाए तो उसके लिए भी आराम है। इसलिए घर के सभी लोग 1 गिलास बड़ा या 1 बड़ा कप दिन में एक बार अवश्य लें, नियमित रूप से, रेगुलर, जब तक ये COVID-19 खत्म ना हो जाए, जड़ मूल से इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए तब तक। इसी तरह से 8 बादाम, 60 ग्राम अखरोट, 8 एप्रिकॉट यानी खुरमानी, जलदारू जिसको बोलते हैं, कद्दू, पम्पकिन, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, पालक, तुलसी पत्र, कड़ी पत्ते, जीरा, गोभी, ये नियमित रूप से नियमित डाइट में शामिल करें, क्योंकि इनमें आपको जिंक की मात्रा मिलेगी जो किसी भी प्रकार के संक्रमण का दुश्मन है, संक्रमण को रोकने वाला है। तो ये आप जरूर अपनी डाइट में शामिल करिए। यदि आपको बुखार आ जाए तो कुटक चिरायता का काढ़ा पी सकते हैं, जिसकी बार बार हमने चर्चा की है, और या नीम गिलोय का काढ़ा पिए, लेकिन लगातार नहीं पीना है। कई लोग संक्रमण से बचने के लिए कोरोना के भय के कारण लगातार पिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। 3 दिन ले लीजिए बस, महीने 2 महीने में 3 बार ले लीजिए, 3 दिन कंटिन्यू सुबह शाम तो पर्याप्त है। इसी तरह से घर में आधी कटोरी सरसों के तेल में 4-5 लहसुन की कलियां गरम कर लें, इसके बाद इन्हें तेल से निकाल दें। घर में भी और घर से बाहर जाते समय भी और रात को सोते समय भी नाक में, कान में, नाभि में, पाँव के तलों में और छाती आदि में ये थोड़ा सा तेल लगा लिया करें, मालिश कर लिया करें छाती में और पाँव के तलों में रात को सोते समय, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे, संक्रमण से बच जाएंगे। एसी की या पंखे की हवा सीधी ना लगने दें, जितना अवॉइड हो सके एसी को अवॉइड करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी भावनाएं पसंद आई हो कि हम आपको स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो हमें सहयोग करें। आप भी स्वस्थ रहेंगे, समाज भी स्वस्थ रहेगा, और लोगों को भी प्रेरित करें उनके भी स्वास्थ्य के लिए, तो आपको पुण्य मिलेगा। तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, किसी भी प्रकार का कमेंट है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।